नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हड्डी बढ़ने को मेडिकल भाषा में ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। इसमें शरीर के किसी भी अंग की हड्डी बढ़ने लग जाती है, जैसे हाथ, कंधा, गर्दन, एड़ी, कूल्हा आदि। जिस तरह की हड्डी बढ़ती है उस तरफ एक उभार हो जाता है। हड्डी बढ़ने पर आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब रगड़ की वजह से हड्डियों में दबाव बढ़ता है तब अकड़न महसूस होती है, दर्द, जलन आदि लक्षण दिखते हैं। साइंटिफिक भाषा में हड्डी बढ़ने को बोन्स पर भी कहते हैं। बता दें कि हड्डी बढ़ने में जब हड्डी में किसी तरह की खराबी आती है जिसे हड्डी खुद ही रिपेयर करती है। इस क्षतिपूर्ण के दौरान जब जमा हुआ कैल्शियम ज़्यादा जमा हो जाता है, बार बार डैमेज होता है और बार बार कैल्शियम जमा होता है, जिसकी वजह से हड्डी बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर मामलों में हड्डी बढ़ने की समस्या का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब कोई एक्सरे कराया जाता है तब पता चलता है कि हड्डी बढ़ गई है। अब आइए जानते हैं हड्डी बढ़ने के लक्षण क्या हैं। जिस जोड़ से हड्डी निकली है उसमें दर्द हो सकता है, हड्डी के जोड़ में जकड़न महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, दबाने पर दर्द होना, प्रभावित जगह के आसपास त्वचा पर सूजन आना, एड़ी की हड्डी बढ़ने पर जमीन पर पैर रखने में परेशानी होना, त्वचा पर जलन होना, चलने फिरने में दिक्कत होना, हड्डी के बढ़ने से नसों का दबना, नसों में दर्द होना, गर्दन की हड्डी बढ़ी तो हाथों में दर्द हो सकता है, हाथ या पैर में चींटी काटने जैसी सेंसेशन महसूस होना, हाथों और पैरों में जलन भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं हड्डी बढ़ने के कारण। गठिया के कारण हड्डी बढ़ सकती है, बड़ी हड्डी के साथ पैदा होना, हड्डी की चोट या रीढ़ की हड्डी का सिकुड़ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।